हाय एवरीवन, मैं हूं शाहनवाज। वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज है हमारे पास एक इलेक्ट्रिक साइकिल का लिथियम आयन बैटरी बॉक्स, और इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक 36 वोल्ट 12 एम्पीयर लिथियम आयन बैटरी पैक जो कि इलेक्ट्रिक साइकिल में यूज़ किया जाता है। साथ में हमारे पास है हैलूम केस जो कि एक इलेक्ट्रिक साइकिल का बैटरी बॉक्स होता है। ये बैटरी बॉक्स पोर्टेबल होता है जिसे हम किसी भी इलेक्ट्रिक साइकिल में आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो इस बॉक्स के अंदर इस तरह के बैटरी पैक को कैसे बनाया जाता है, ये पूरा प्रोसेस हम अभी इस वीडियो में आगे आपको दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को आपको बिना स्किप किए पूरा देखना है ताकि एक एक स्टेप आपको अच्छे से समझ आ जाए, और इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद से इस तरह के बैटरी पैक को भी बना सकते हैं। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लें और इस वीडियो को दूसरों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, इस तरह के बैटरी पैक को अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो आप हमारी कंपनी से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। चलिए देखते हैं इस पूरे बैटरी पैक को कैसे बनाया जाए। यह है हमारे पास पोर्टेबल लिथियम आयन बैटरी बॉक्स जो कि एक इलेक्ट्रिक साइकिल में यूज़ किया जाता है। इस बैटरी बॉक्स को हैलूम केस बोला जाता है। तो इस हैलूम केस में हम बनाएंगे लिथियम आयन बैटरी पैक। इस बैटरी पैक को बनाने के लिए हमारे पास है इसके पार्ट्स। ये है बार्ली पेपर। इस बॉक्स के अंदर हमने सारे पार्ट्स को रखा है, और साथ में हमारे पास मिलता है एक निकल स्ट्रिप। ये एक एच टाइप निकल स्ट्रिप है, तो इस निकल स्ट्रिप को हम यूज़ करेंगे। और साथ में है हमारे पास 10S36 वोल्ट लिथियम आयन BMS। इस BMS को यूज़ करके हम बैटरी पैक को बनाएंगे। और यहाँ पर है हमारे पास 50 पीसेस लिथियम आयन सेल। ये एक सेल का रेटिंग है 3.6 वोल्ट 2500 मिली एम्पेयर। इस सेल का मॉडल नंबर है 18650। तो यहाँ पे सारे सेल के ऊपर कैपिंग लगा हुआ है, और ये सेल पहले से बैलेंस्ड एंड ग्रेडेड है। तो इस सेल को हम यूज़ करके पूरे बैटरी पैक को अभी बनाकर आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं इस हैलूम केस को। इस हैलूम केस को यहाँ से हम निकाल लेते हैं, और इसके अंदर हमें देखने को मिलता है इसका होल्डर। तो ये है हमारे पास दो होल्डर, एक टॉप एंड एक बॉटम का। इस होल्डर में हम टोटल 52 पीसेस लिथियम आयन सेल को यूज़ कर सकते हैं। हमें अपना रिक्वायरमेंट इसी में पूरा करना होगा। तो हम यहाँ पे लेंगे 5 पीसेस लिथियम आयन सेल और इसके होल्डर में असेंबल करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे हम इन 5 पीसेस लिथियम आयन सेल को पैरेलली असेंबल करने वाले हैं। ये है हमारा पॉजिटिव टर्मिनल इस सेल का, तो पहले हम पॉजिटिव टर्मिनल को यहाँ पे ऊपर रखेंगे। दोस्तों, हम यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर हमें सिर्फ होल्डर देखने को मिलता है, निकल स्ट्रिप नहीं मिलता है। तो हम यहाँ पे टोटल 5 पीसेस ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे 10S का लिथियम आयन बैटरी पैक बना रहे हैं। तो टोटल 10×5=50 पीसेस हमारा टोटल लिथियम आयन सेल इसमें यूज़ होगा। 52 से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो 50 में हमारा 36 वोल्ट एंड 12.5 एम्पेयर का पूरा बैटरी पैक बनेगा। तो हम यहाँ पे 50 सेल को यूज़ करके मैक्स एम्पेयर को यहाँ पे अचीव करेंगे। तो यहाँ पे हमने 5 पीसेस को असेंबल कर दिया है। अब इसी तरह हमें 5 पीसेस को यहाँ पे फिर से असेंबल करना है, जिसका नेगेटिव टर्मिनल ऊपर रहेगा। मींस यहाँ पे हम सीरीज़ में 5 पीसेस करके लिथियम आयन सेल को असेंबल करेंगे। तो हमें यहाँ पे कुछ इस तरह से असेंबल करना है। यहाँ पे सारे सेल अलग अलग डायरेक्शन में असेंबल होंगे, कोई भी मीन्स कोई पैरेलली या फिर सारे सेल पैरेलल होगा, कोई भी एक लाइन में यहाँ पे असेंबल नहीं होगा। तो हम यहाँ पे कुछ इस तरह से असेंबल करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है हम यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये मिल जाएगा तो हमें बाद में कन्फ्यूज़न हो जाएगा। इसीलिए पहले हम यहाँ से इस नेगेटिव वाले सेल को यहाँ से निकाल कर हम यहाँ पर लगा देंगे। तो ये देखो, ये 5 पीसेस पॉजिटिव हो गया, उसके बाद नेगेटिव। फिर से हम यहाँ पर 5 पीस पॉजिटिव सेल को यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल को ऊपर रखेंगे और यहाँ पे असेंबल कर देंगे। तो कुछ इस तरह से हमें असेंबल करना है, जिसमें बाद में हमें कोई कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे अभी 5 पीस पॉजिटिव किया, फिर से हम यहाँ पे 5 पीस नेगेटिव सेल को, नेगेटिव टर्मिनल को ऊपर रखेंगे और यहाँ पे असेंबल करेंगे। तो सारे सेल को यहाँ पे 5 पीस करके हमें सीरीज़ में सारे सेल्स को असेंबल कर लेना है। तो यहाँ पे हम 50 सेल को यूज़ करेंगे, हमारा 2 बच जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे मैक्स एम्पेयर को अचीव करेंगे 50 सेल को यूज़ करके। तो इसी तरह से हमें सारे सेल को होल्डर में अच्छे से असेंबल कर लेना है। तो हमने यहाँ पे सारे सेल को असेंबल कर लिया है, आप ये देख सकते हो। कुछ इस तरह से हमें असेंबल करना है, ये पॉजिटिव फिर नेगेटिव एंड फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। तो यहाँ पे देखो, सारे सेल को अलग अलग डायरेक्शन में सारा सेल यहाँ पे असेंबल किया गया है। तो यहाँ पे हैलूम केस के अंदर
हमें निकल स्ट्रिप देखने को मिलता है बहुत सारे हैलून केस के अंदर, तो हमें वो निकल स्ट्रिप अपने डिज़ाइन में कटे हुए होते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग सारे सेल को यहाँ पे असेंबल करना होता है। लेकिन इस बॉक्स में है निकल स्ट्रिप हमारे पास नहीं है, तो हम यहाँ पे अपने हिसाब से सेल को अपने हिसाब से यहाँ पे असेंबल हमें करना है, और उसके बाद हमने यहाँ पे टॉप में इसके टॉप वाले होल्डर को लगाकर फिक्स कर लिया है। तो आप ये देख सकते हो अच्छे से फिक्स कर लेना है आपको, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ पे दो सेल हमारा बच गया है, आप देख सकते हो यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें इसके ऊपर सारे सेल को पहले यहाँ पे एक दूसरे से कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे निकल स्ट्रिप को। तो ये देखो, ये है नेगेटिव टर्मिनल इस बैटरी पैक का, इसके बाद ये पॉजिटिव। तो यहाँ पे इन दोनों को पहले सीरीज में हमें कनेक्ट करना है, ये पांच पीस और ये पांच पीस, मीन्स टोटल 10 सेल को यहाँ पे पहले एक दूसरे से कनेक्ट कर देना है। उसके बाद फिर हम ये पांच पीस और ये पांच पीस 10 पीस करके मीन्स सीरीज में यहाँ पे हमें कनेक्ट करना है। तो इसे कनेक्ट करने के लिए हमारे पास है ये निकल स्ट्रिप। ये हमारा नॉर्मल निकल स्ट्रिप है जो कि हमें अदर बैटरी पैक को बनाने के लिए इस निकल स्ट्रिप को यूज़ करते हैं। ये एक एस टाइप निकल स्ट्रिप है, क्योंकि इस हैलोंग केस के साथ हमें निकल स्ट्रिप देखने को नहीं मिला है। तो हम इस निकल स्ट्रिप को अलग अलग डिज़ाइन में कटिंग करके और इसके बाद हम इसके ऊपर यहाँ पे स्पॉट वेल्डिंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे, यहाँ पे हमें टोटल 10 सेल के ऊपर कनेक्ट करना है निकल स्ट्रिप को। तो हम यहाँ पे मार्क करके इसके डिज़ाइन में यहाँ से कट कर लेंगे। तो किस तरह से ये निकल स्ट्रिप को हम यहाँ पे करते हैं स्पॉट वेल्डिंग, ये भी हम अभी देखेंगे। तो वीडियो को आप कंटिन्यू देखते रहिए एंड तक, आपको एक एक प्रोसेस आगे देखने को मिलता रहेगा। तो ये देखो, इस डिज़ाइन में हमने यहाँ पे मार्क कर लिया है, अभी इसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ से कट कर लेना है। किसी भी छोटे सीजर से हम आराम से इसे कट कर लेते हैं। तो ये देखो इस तरह से, इसके बाद हम यहाँ पे इसे कुछ इस तरह से कट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे निकल स्ट्रिप को कट कर लिया है और हम सेल के ऊपर रख देंगे। यह हमारा खुद का बनाया हुआ स्पॉट वेल्डिंग मशीन, ये मशीन काफ़ी अच्छे से काम करता है। अगर आप इस मशीन को परचेस करना चाहें तो आप हमसे डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो इस मशीन को अभी हम यूज़ करेंगे स्पॉट वेल्डिंग करने के लिए। सबसे पहले निकल स्ट्रिप को सेल के ऊपर रख लेना है। यहाँ पर हम 10 सेल को सीरीज में करेंगे। तो यहाँ पर हमें स्पॉट वेल्डिंग का ये जो दोनों नॉब है, ये दोनों पेन को लेना है और यहाँ पे निकल स्ट्रिप को बैटरी के ऊपर अच्छे से रख लेना है। तो इस पेन को हमें यहाँ पे हम इस तरह से भी पकड़ सकते हैं और इस तरह से भी पेन के तरह भी हम पकड़ सकते हैं। अब यहाँ पे हम रखेंगे निकल स्ट्रिप के ऊपर और इसे स्पॉट करेंगे। ये आप देख सकते हो किस तरह से ये स्पॉट हुआ है। अभी मैं आपको करके भी दिखाऊँगा यहाँ पर आपके सामने किस तरह से ये मशीन काम करता है। तो हमने यहाँ पर सीरीज़ में कनेक्ट किया है और ये हमारा ये निकल स्ट्रिप है, इसे भी हम सीरीज़ में कनेक्ट कर लेंगे। ये हम टोटल 5 सेल जो नेगेटिव है हमारा और 5 सेल पॉजिटिव, इन दोनों को हमें सीरीज़ में कनेक्ट करना है। तो हमने यहाँ पे अभी 5 सेल और 2 सेल पॉजिटिव को कनेक्ट कर दिया है। अब ये देखो निकल स्ट्रिप कैसे काम करता है। बस हमें निकल स्ट्रिप के ऊपर स्पॉट वेल्डर के पेन को रखना है और फुट प्रेस जैसे ही करते हैं हम यहाँ पर, ये काफ़ी अच्छे से यहाँ पर स्पॉट हो जाता है और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्पॉट होता है। यहाँ पे एक बार स्पॉट होने के बाद इसे निकालना मुश्किल होता है। तो ये देखो, अब हम यहाँ पे इसे इसमें ज्वाइन कर लेंगे। तो हम यहाँ पे इस छोटे साइज़ के निकल स्ट्रिप को यहाँ पे हमने कट किया है और इसके ऊपर भी हम यहाँ पे स्पॉट कर देंगे। तो इस तरह से हम अलग अलग सारे सेल के ऊपर पहले हमें सीरीज़ में करना है और निकल स्ट्रिप को कट करके हमें करना है, क्योंकि मैंने जैसा आपको पहले बताया कि इस हैलोंग केस में हमें निकल स्ट्रिप नहीं मिला है। बहुत सारे हैलोंग केस में आपको निकल स्ट्रिप देखने को मिल जाएगा जो कि अलग अलग डिज़ाइन में कटे हुए होते हैं। तो उसी डिज़ाइन में आपको यहाँ पे सेल को असेंबल करना होता है होल्डर में और उस निकल स्ट्रिप को रखकर आप सिर्फ स्पॉट कर देना होता है। तो वो काफ़ी ईजी होता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास उस तरह के निकल स्ट्रिप नहीं है। तो आपके पास भी कभी अगर उस तरह के निकल स्ट्रिप ना मिले तो आप इस प्रोसेस को यूज़ करके आप इस तरह से आप अपने बैटरी पैक को आराम से बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे एक सीरीज़ को कंप्लीट स्पॉट वेल्डिंग कर दिया है। ये सीरीज़ हमारा कंप्लीट हो गया है। इसी तरह हम यहाँ पे करेंगे इस सीरीज़ को। तो हमने सारे निकल स्ट्रिप को यहाँ पे अपने हिसाब से डिज़ाइन में यहाँ पे कट कर लिया है। अब इन सारे निकल स्ट्रिप को यहाँ पे हम इसके ऊपर रख कर स्पॉट वेल्डिंग करते जाएंगे।
तो हमने यहाँ पे फर्स्ट किया था, सेकंड भी हम यहाँ पे कर लेंगे और सारे के ऊपर हमें यहाँ पे कर लेना है। तो हमने यहाँ पे सारे सिल के ऊपर निकल स्ट्रिप को स्पॉट वेल्डिंग कर लिया है। ये हमारा है फर्स्ट सीरीज़, आप देख सकते हो यहाँ पे हमने सीरीज़ में यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है सारे निकल स्ट्रिप को ये तो। और ये हमारा सेकंड सीरीज़, ये थर्ड सीरीज़ हो गया हमारा, और ये फोर्थ एंड ये फिफ्थ सीरीज़ हमारा कंप्लीट हो गया है। तो हमारा ये टॉप साइड का फिफ्थ सीरीज़ हमने कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह से हम इसके बैक साइड में भी निकल स्ट्रिप को स्पॉट वेल्डिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे भी हमें कुछ उसी तरह करना है, थोड़ा सा यहाँ पे अलग है। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा पूरे बैटरी पैक का। इसके बाद यहाँ पे हम इन दोनों को सीरीज़ में करेंगे, तो ये जो नेगेटिव टर्मिनल है हमें इसे कवर कर देना है, क्योंकि सेकेंड ये जो बैक साइड है इसमें स्पॉट वेल्डिंग करने टाइम बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होने का 99% चांसेस होता है। थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा आपका निकल स्ट्रिप जल जाएगा, तो बहुत ध्यान से हमें करना होता है। इसीलिए मैं यहाँ पे दोनों साइड इंसुलेटर पेपर को लगा दिया हूँ और बीच में इन दोनों को मैं अभी स्पॉट वेल्डिंग करूँगा, और दोनों यहाँ पे हमें सीरीज़ में यहाँ पे स्पॉट वेल्डिंग कर लेना है। तो इसी तरह से हम पूरे बैटरी पैक पे इंसुलेटर को लगाएंगे और जिस सीरीज़ को हमें करना होगा उसके ऊपर हम आराम से करेंगे, तो इससे हमें रिस्क हमारा कम हो जाता है। अगर आप नए होंगे तो आपको इस तरह से करना ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पर रिस्क कम होता है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट होने के बाद निकली स्ट्रिप है वो सेल के ऊपर पहले बहुत देर तक सड़ जाएगा और उसे निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उसके बाद उसमें फायर भी लग जाता है, तो ये आपको ध्यान देना होगा। तो ये देखो यहाँ पर हमने इसके फर्स्ट सीरीज़ को हमने इस साइड भी कनेक्ट कर लिया है, यहाँ पे सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया है, और ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है, इसे हम बाद में करेंगे। इसी तरह हमें यहाँ पे आगे करना है, तो हमें अब इसे कवर कर देना है, और उसके बाद जो सेकंड हमारा यहाँ पे सीरीज़ में हम करेंगे इसके ऊपर। तो ये देखो इस तरह से हमने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है यहाँ पर सीरीज़ में। अब ये हमारा पूरे बैटरी पैक का पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये अकेला होगा, तो इसके ऊपर हमें पैरेलली कनेक्ट कर देना है दोनों के ऊपर। तो ये सिर्फ पैरेलल सारे नेगेटिव टर्मिनल पे हमें कनेक्ट कर देना है। ये पूरे बैटरी पैक का जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो यहाँ से निकलेगा, और ये पूरे बैटरी पैक का जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो यहाँ से निकलेगा। तो दो टर्मिनल हमारे पूरे बैटरी पैक से यहाँ से निकल जाते हैं। तो देखो अब यहाँ पर ये कम्प्लीट हो गया इस साइड भी। अब हम यहाँ पर लगाएंगे इसके ऊपर BMS को। तो BMS को लगाने से पहले दोस्तों, मुझे पता है आप बहुत अच्छे से इस वीडियो को कंटिन्यू अभी तक देख रहे हो, लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, फिर मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूँ। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में बहुत सारा एफर्ट लगा है, लेकिन आपको सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता, तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो अब हमें लगाना है इस बैटरी पैक के ऊपर BMS को। हम इस BMS को यहाँ पे लगाएंगे, तो ये देखो हम इस तरह से इस BMS को यहाँ पे फिक्स करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ये है हमारा BMS, और इस BMS में ये ब्लैक कलर का वायर है, ये P- यहाँ पे लिखा है, ये ब्लैक कलर का पूरे बैटरी पैक का ये नेगेटिव वायर होगा हमारा, और ये जो B- ये ब्लू कलर का जो वायर है ये इस पूरे बैटरी पैक का जो नेगेटिव टर्मिनल है यहाँ पे ये कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो हम यहाँ पे इस BMS को इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे साइज़ के अकॉर्डिंग हम वायर को यहाँ से कट कर लेंगे, और उसके बाद हमें इस वायर को यहाँ से निकाल कर यहाँ पे सोल्डिंग कर देना है। तो हमारे पास है सोल्डिंग आयरन, और हम इस B- के जो वायर है उसे हम इस पूरे बैटरी पैक के नेगेटिव टर्मिनल पे हमें यहाँ पे सोल्डिंग कर देना है। तो सोल्डिंग काफ़ी अच्छे से आपको करना होगा। यहाँ पे हमने यहाँ पे इस तरह से सोल्डिंग कर दिया है इस वायर को, और इसके बाद यहाँ पे आता है ये ब्लैक कलर का वायर, ये यहीं से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। और अब हम ये है सारे सेल्स का वायर, तो ये जो ब्लैक कलर का वायर है ये नंबर 1 वायर होगा, ये भी हम इस पूरे बैटरी पैक के नेगेटिव टर्मिनल पर यहाँ पे कनेक्ट करने वाले हैं। तो ये देखो यहाँ पे हम ब्लू कलर के वायर को हमने यहाँ पे कनेक्ट किया था, वहीं पे हम इस ब्लैक कलर के वायर को
कनेक्ट करेंगे, तो ये सारे सेल्स के वायर को हम नंबर वाइज करेंगे। मीन्स ये हमारा जो ब्लैक कलर का जो वायर है ये नंबर वन वायर हो गया। इसी तरह से हम इसके जो सेकंड वायर है इसके बाद यहाँ पे हम सिक्वेंशियली वन बाय वन करके सारे वायर को कनेक्ट करेंगे। तो इसके बैक साइड में हम यहाँ पे करेंगे। अब ये जो सारा सेल्स का जो वायर होता है दोस्तों, इसे हमें बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे कनेक्ट करना होता है। मीन्स ध्यान रखें, आप कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हो एक सीरीज़ के ऊपर, लेकिन आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे कनेक्ट करना ज़्यादा बेटर होता है। तो आप यहाँ पे इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे हमें इस वायर को कनेक्ट कर देना है। तो ये हमारा सेकंड वायर जो था यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया है। इसी तरह से हम यहाँ पे ये थर्ड वायर लेंगे और एक एक वायर को यहाँ से लेते जाना है और उसके बाद यहाँ पे कनेक्ट करते जाना है। तो जैसा कि मैंने आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे एक zigzag का एक कनेक्शन होता है, उस तरह से यहाँ पे कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे सेकंड सीरीज जो हमारा हो गया है टॉप का, उस पे हम यहाँ पे थर्ड वायर हमने कनेक्ट कर दिया है और इसके बाद हम लेंगे ये फोर्थ वायर को। फोर्थ वायर को लेने के बाद हमें फिर से इसके बैक साइड में हमें जाना है बैटरी के, और बैक साइड में जाने के बाद हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे इस फोर्थ वायर को। यहाँ पे हमें कनेक्ट कर देना है, यहाँ पे हमने सोल्डिंग करके रखा है और हमें जस्ट वायर को यहाँ से कनेक्ट करते जाना है। काफ़ी आसान होता है यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे इस वायर को भी कनेक्ट कर दिया है, फोर्थ वायर था हमारा ये। अब यहाँ से हम लेंगे फिफ्थ वायर को। नंबर वाइज हमें वायर को एक एक करके लेते जाना है। फिफ्थ वायर को हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, यहाँ पे ये टॉप में हमारा थर्ड सीरीज़ है ये, तो यहाँ पे हमें कनेक्ट कर देना है फिफ्थ वायर को। इसके बाद यहाँ से हम सिक्स वायर को भी निकाल लेंगे। तो जो वायर आप कनेक्ट कर रहे हो उसके बाद वाले वायर को हमें लेना है। तो यहाँ पे सिक्स वायर को हम लेंगे, इस वायर को हमें लेना है और यहाँ से हम इसे डाल देंगे। तो यहाँ से हमें वायर को हम होल्डर के अंदर से, यहाँ पे होल है इसके अंदर से हम डालेंगे और इसके बाद यहाँ पे हमें इसे कनेक्ट कर देना है। तो ये हमारा था सिक्स वायर। तो इस सिक्स वायर को हमें यहाँ से कनेक्ट कर देना है। अब यहाँ से वायर को यहाँ पे थोड़ा सा लूज रखना भी सही ज़रूरी होता है। सिक्स वायर के बाद हम यहाँ से लेंगे ये सेवन्थ वायर को, और सेवन्थ वायर को हमें लेना है और इस सेवन्थ वायर को हमें यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे इस सेवन्थ वायर को भी कनेक्ट कर लेते हैं। सारे वायर को यहाँ पे उसके साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे कट कर लेना है, थोड़ा सा हम बड़ा ही रखेंगे। तो यहाँ पे हमें सेवन्थ वायर को कनेक्ट कर लिया है हमने यहाँ पे। तो इस तरह से आपको भी सारे वायर को वन बाय वन करके कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे मैं आपको अभी कोई भी डायग्राम नहीं दे रहा हूँ, आपको मैं यहाँ पे एक एक वायर को कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ, तो जिससे आपको इजी समझ आ जाएगा। ये हमारा एट वायर है और एट वायर को हम यहाँ पे कनेक्ट कर दे रहे हैं बैक साइड में। यहाँ पे आप देख रहे हो हम सारे वायर को जो पॉजिटिव टर्मिनल पे जो निकल स्ट्रिप है हम वहीं पे कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा नाइन्थ वायर आ गया है और नाइन्थ वायर को हम इस साइड हमने कनेक्ट कर दिया है। हमें अच्छे से कनेक्ट कर लेना होता है सारे वायर को। और इसके बाद ये हमारा टेंथ वायर है, टेंथ वायर को हम यहाँ पे बैक साइड में यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। ये लास्ट हमारा है, बैक साइड का लास्ट सीरीज़ है, तो लास्ट सीरीज़ में हम यहाँ पे टेंथ वायर को कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे 10S के BMS में टोटल 11 वायर आपको देखने को मिलेगा, जिसमें फर्स्ट वायर ब्लैक कलर का होता है, नेगेटिव वायर। ये हमारा 11th वायर है। ये 11th वायर इस पूरे बैटरी पैक का ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है इस पे कनेक्ट होगा सबसे लास्ट में। तो यहाँ पे इस पूरे बैटरी पैक के पॉजिटिव टर्मिनल पे हमारा जो सबसे लास्ट वायर है BMS का 11th वायर, वो हम यहाँ पे कनेक्ट कर दे रहे हैं। तो हमने यहाँ पे सारा वायरिंग को, ये जो सेल्स का सारा वायरिंग है ये हमने कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसके बैक साइड में भी हमने वायर को कनेक्ट कर दिया है। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे इन सारे वायर को हमें अरेंज कर लेना होता है, वो भी हम कर लेंगे सही से अरेंज सारे वायर को। हमने यहाँ पे एक वायर लिया है पॉजिटिव टर्मिनल के लिए, मीन्स ये वायर को हमने डबल कर दिया है क्योंकि हमारे पास जो वायर था वो ज़्यादा थिक नहीं था, तो और ये वायर थोड़ा सा थिन है इसीलिए हमने यहाँ पे डबल कर दिया। आपके पास थोड़ा मोटा वायर है तो आप वो भी सिंगल वायर यूज़ कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल पे इस वायर को हमें कनेक्ट कर देना है। हम यहाँ पे इस वायर को, हमने येलो कलर के वायर को पॉजिटिव टर्मिनल अज्यूम किया है, ये पॉजिटिव टर्मिनल का है, और BMS से जो ये ब्लैक कलर का P- का वायर निकला है ये नेगेटिव। तो ये दो टर्मिनल आपको इस पूरे बैटरी पैक से देखने को मिल गए हैं, एक पॉजिटिव येलो वायर है और BMS से जो निकल रहा है वो ब्लैक कलर का नेगेटिव वायर है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, हम लेंगे यहाँ पे मल्टीमीटर को, इसे 200 वोल्ट DC पे सेट करेंगे। यहाँ से हम खोल दिए हैं BMS के सेल्स के वायर को। अभी हम चेक करेंगे कि ये जो सेल्स का वायर है वो सही से कनेक्ट हुआ है कि नहीं, सारे बैटरी के ऊपर सारे सेल्स में अच्छे से कनेक्ट हुआ है कि नहीं। ये एक ट्रिक है जो कि हमारे वीडियो में आपको सिर्फ देखने को मिलेगा। तो ये जो
नेगेटिव हमारा जो प्रॉब है हमारे मल्टीमीटर का, उसे हम बैटरी पैक के नेगेटिव टर्मिनल पर रखेंगे, और उसके बाद जो पॉजिटिव प्रॉब है उसे हम लेंगे, और यहाँ पर ये जो प्लग है हमारे सेल्स के वायर का, इस प्लग को लेंगे हम उल्टा कर देंगे। ये जो ब्लैक वायर है आप देख सकते हो, ये ब्लैक वायर हमारे नेगेटिव टर्मिनल पे कनेक्टेड है। तो हम यहाँ पे ब्लैक वायर पे हमने ब्लैक प्रॉप को रख दिया है। अब यहाँ पे ब्लैक वायर के बाद जो हमारा रेड वायर है वो हमारा नंबर वन होगा। और यहाँ पे आप मल्टीमीटर में देखो 3.6 वोल्ट, ये एक सेल का वोल्टेज आपको दिखाएगा, मीन्स एक सीरीज में पूरे सेल हमने पैरेलली कनेक्ट कर दिया है, तो एक सेल का वोल्टेज यहाँ पे दिखा रहा है। और हर एक सेल यहाँ पे जब हम सेकेंड वायर पे रखते हैं तो 3.6 वोल्ट हर एक सेल का जो वोल्टेज है वो ऐड होता जाएगा। तो ये अगर साइमल्टेनियसली ऐड होता जा रहा है कंटिन्यू, तो आपका सारा सेल्स का वायर सही से कनेक्टेड है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 25 हो गया 21 के बाद, तो 3.6 और 7 वोल्ट नॉमिनल होता है वो ऐड होता जाता है, उसके बाद 25 एंड उसके बाद 29.2, एकदम सही है, आप ये देख सकते हो। इसके बाद हम करेंगे 32.8, ये भी सही है, उसके बाद 36, जो सबसे लास्ट में हमारा आया है वोल्टेज वो 36 वोल्ट है। तो एक एक वायर पे आप सारे वोल्टेज को चेक कर सकते हो, नॉमिनल वोल्टेज यहाँ पे ऐड होता जाता है। तो हमारा ये जो वायरिंग कनेक्शन हुआ सेल्स के ऊपर, ये काफ़ी अच्छे से हमारा हो गया है, कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी वायर हमारा गलत वायरिंग नहीं हुआ। फिर से हम यहाँ पे प्लग इन कर देंगे BMS में, यहाँ पे सही से आपको प्लग इन कर लेना है। तो हम यहाँ पे इसे प्लग इन कर देते हैं अच्छे से, यहाँ पे टाइटली हमने यहाँ पे प्लग इन कर लिया है। तो अब यहाँ पे हम लेंगे इस बार्ली पेपर को, ये एक इंसुलेटर पेपर है, इस बार्ली पेपर को हमें यहाँ पे ऊपर में लगा देना है, टॉप साइड में हमें दोनों साइड लगाना है, जिस साइड हमारा ये निकल स्ट्रिप है इन दोनों साइड में हम यहाँ पे लगा देंगे। तो हमने यहाँ पे बार्ली पेपर को लगाकर जहाँ पे वायरिंग को कटिंग करना था वहाँ पे हमने कर लिया है। BMS के नीचे हम डबल साइडेड टेप को यहाँ पे लगा रहे हैं, तो इस डबल साइडेड टेप को हम यहाँ पे लगाकर इस BMS को यहाँ पे फिक्स कर लेंगे, आप ये देख सकते हो कुछ इस तरह से। और सारे वायर को भी हमें अरेंज करना है, तो हम इस साइड भी लगाएंगे इस बार्ली पेपर को, ये प्रोटेक्टिव होता है यहाँ पे, और इससे शॉर्ट सर्किट एक्सटर्नल कोई भी अगर मेटल का पीस इस पे पड़ जाए तो उससे बचाता है, ये शॉर्ट सर्किट नहीं होता है। तो हमने यहाँ पे दोनों साइड में बार्ली पेपर को लगा दिया है। अब इस वायर को हम यहाँ पे अरेंज कर लेते हैं, ये जो है ये हीट सेंसर इसे बोलते हैं, ये हम यहाँ पे सेल के बीच में लगा देते हैं, इसे यहाँ पे रख देते हैं, बस ये ऐसा ही रहेगा। तो यहाँ पे ये हमने लगा दिया है। अब इसके बाद हम यहाँ पे ये हम टेप लेंगे, यहाँ पे नायलॉन टेप है ये, इस नायलॉन टेप से हम BMS को यहाँ पे टाइट कर देंगे ताकि बाद में ये लूज़ ना हो जाए, तो इसलिए हम यहाँ पे इस नायलॉन टेप से हम इसे लगा देते हैं और यहाँ से हम इसे कट कर लेते हैं। तो ये टाइट हो गया है हमारा BMS भी, और हमने यहाँ पे सारे वायर को अरेंज करके टेपिंग कर दिया है। तो ये हमारा जो कंप्लीट हो गया है। अब ये जो पॉजिटिव टर्मिनल हमने येलो कलर को वायर को लिया था, इसे भी हम ले लेंगे यहाँ से, ये जो दो वायर है ये हमारा दोनों वायर आउटपुट निकल गया है बैटरी के लिए। अब यहाँ पे हम लेंगे बॉक्स को, और ये देख सकते हो यहाँ से हम इसे ओपन कर लेंगे, और इस बैटरी पैक को आप सॉफ्ट पैकिंग भी कर सकते हो। हम यहाँ पे सॉफ्ट पैकिंग नहीं कर रहे हैं फिलहाल, हमारे पास अभी सॉफ्ट पैकिंग इस साइज़ का सॉफ्ट पैकिंग नहीं था, तो हम यहाँ पे अभी नॉर्मली इसके अंदर हम डाल दे रहे हैं। अभी ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये हिल रहा है, तो यहाँ पे ये गैप है इसीलिए यहाँ पे हिल रहा है, इसके लिए हमारे पास है ये फोम, इस फोम को हम यहाँ पे इसके ऊपर यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम इस फोम को लगा देंगे, और ये जो बाद में ये क्या होगा कि अगर मैं बॉक्स को पैक कर दूंगा तो यहाँ पे ये आवाज़ करता रहेगा, ढक 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 ऐसा आवाज़ करेगा, इसीलिए ये अब देखो ये फिक्स हो गया, अब ये हिलेगा नहीं, ये काफ़ी अच्छे से फिक्स हो गया है इसके अंदर। अब ये हम लेंगे हमारा ये जो हाफ पार्ट है, इसमें ये एक चार्जिंग का पोर्ट दिया गया है, और इस पोर्ट के साथ यहाँ पे स्विच दिया गया है, और यहाँ पे है लॉक, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हमें इस चार्जिंग पोर्ट में 3 टर्मिनल मिलते हैं, जिसमें से दो टर्मिनल एक है नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हमें चार्जिंग के एक पोर्ट से और यहाँ पे स्विच में यहाँ पे शॉर्ट कर देना है ये छोटे वायर से, आप देख सकते हो इस तरह से हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। और यहाँ पे हम एक ब्लैक कलर का वायर लेंगे जो कि स्विच के दूसरे टर्मिनल पे हमें यहाँ पे सोल्डिंग कर लेना है, तो हम यहाँ पे इसे सोल्डिंग कर लेते हैं। ये वायर थोड़ा सा लॉन्ग वायर हमने रखा है, और यहाँ पे इस पॉजिटिव टर्मिनल पे हमें एक वायर को लेना है सॉकेट में, और सॉकेट में भी हमने यहाँ पे सोल्डिंग कर लिया है। तो यहाँ पे दो वायर आपको आउटपुट यहाँ पे निकल गया है, एक रेड एंड एक ब्लैक, तो यहाँ पे हमने ले लिया है। अब इसके बाद यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये हमारे पास है सर्किट,
एक सर्किट लगा होता है जो कि बैटरी लेवल बताता है, वोल्टेज लेवल बताता है। यहाँ पे हैलोंग केस में वो लगा हुआ आता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम इन सारे वायर को इस टर्मिनल पे हमें कनेक्ट कर देना है। तो अभी हम यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे चार पिन है टोटल, जिसमें से दो पिन ब्लैक है एंड दो पिन मीन्स दो पिन नेगेटिव है एंड दो पिन पॉजिटिव है। तो हमें यहाँ पे ब्लैक कलर का जो सारा वायर है, सर्किट का वायर और हमारा चार्जिंग का पोर्ट का जो वायर आ रहा है स्विच का, वो वायर और यहाँ पे जो मेन टर्मिनल आ रहा है हमारे बैटरी पैक से ब्लैक कलर का, वो हम यहाँ पे सबसे लास्ट वाले पिन पे हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है। और इसी तरह से ये देखो, यहाँ से हम ब्लैक वायर यहाँ से ले लेंगे और ये जो सर्किट का ब्लैक वायर है इस नेगेटिव वायर को भी हम ले लेंगे और यहाँ पे हमें सोल्डिंग कर देना है। तो सारे ब्लैक वायर को हमने यहाँ पे एक जगह पे सोल्डिंग कर दिया है। हमने यहाँ पे चारों पिन में से सबसे लास्ट पिन में हमने यहाँ पे नेगेटिव पे सोल्डिंग किया है। सोल्डिंग थोड़े से अच्छे से करना है आपको, थोड़ा ध्यान देकर। अब इसी तरह हम यहाँ पे पॉजिटिव वायर को हमने जो बैटरी से हमारा येलो कलर का पॉजिटिव वायर हमने जो लिया है, इस वायर को हम यहाँ पे लेकर पॉजिटिव टर्मिनल के जो पिन है उसमें भी हमने लास्ट में यहाँ पे लास्ट पिन पे हमने इस पॉजिटिव वायर को कनेक्ट कर दिया है। इसी तरह से हम यहाँ पे चार्जिंग के पोर्ट के और सर्किट के वायर के ले लेंगे पॉजिटिव वायर को और इसे भी हम पॉजिटिव टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। तो हमने यहाँ पे इसे कनेक्ट कर लिया है। इसी तरह से दोनों वायर हमारा यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। तो ये देखो, कनेक्शन हमने कर लिया है, ये हमारा कंप्लीट हो गया कनेक्शन। अब यहाँ पे इसे हम कवर कर देंगे, इस कवर को यहाँ पे लगा देंगे। वायरिंग को थोड़ा सा अंदर में अरेंज कर लेना है सही से और इसके बाद हम इसके ऊपर इसके बॉक्स को यहाँ पे पैक कर देना है हमें। तो यहाँ पे पैक कर देने के बाद आप देख सकते हो सारे वायर को थोड़ा सा अच्छे से अंदर में अरेंज कर लेना है आपको और यहाँ पे पैक कर देना है। पैक करने के बाद यहाँ पे स्क्रू लगाना है, ये हमारा इसका टर्मिनल है और साथ में यहाँ पे स्क्रू मिल जाता है। तो देखो ये है एक कनेक्टर, इसे साइड करते हैं और ये टोटल 8 स्क्रू हम यहाँ पे लगा कर इस बॉक्स को टाइट कर लेंगे। तो हमें यहाँ पे सारे स्क्रू को यहाँ पे डाल देना है और इसे टाइट कर लेना है। तो बॉक्स में हमने स्क्रू लगाकर फिक्स कर लिया। अब हम यहाँ पे लेते हैं बेस प्लेट को। ये जो बेस प्लेट है यहाँ पे लगा हुआ होता है, तो हमने यहाँ पे इसे निकाल लिया है और यह एक मेटल का पीस जो कि यहाँ से ये निकल जाता है। यहाँ पे हमें इसे निकाल लेना है और इसके साथ हमें मिलता है एक कनेक्टर। यहाँ पे देखो, दो नेगेटिव एंड दो पॉजिटिव का यहाँ पे पिन दिया गया है। तो इस कनेक्टर को यहाँ पे इसके अंदर बना गया है गैप। तो इस गैप के अंदर इस कनेक्टर को यहाँ पे डाल देना है और इसे फिक्स कर लेना है। ये टाइटली यहाँ पे फिक्स हो जाता है यहाँ पे डालने के बाद। तो ये देखो, हमने यहाँ पे डाल दिया है इसे और इसमें फिक्स कर दिया है। अब इसमें फिक्स कर देने के बाद हम यहाँ से इजीली इसके अंदर डाल देते हैं हम आराम से। तो यहाँ से ये पिन निकल जाता है। अब इसे हम वहाँ पे उस बॉक्स के अंदर इसे हम टाइट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें इसके अंदर इस पिन में वायरिंग करना होगा। वायरिंग कैसे करना होगा वो अभी हम देखते हैं। यहाँ पे दो वायर हमें लेना है, एक पॉजिटिव वायर। तो यहाँ पे देखो, पॉजिटिव यहाँ पे भी चार पिन है और बॉक्स में भी चार पिन था। तो हमने दोनों पिन के लास्ट में बॉक्स में लास्ट वाले पिन पे हमने सोल्डिंग किया था, वायर को कनेक्ट किया था। तो पॉजिटिव वाले पिन पे पॉजिटिव और नेगेटिव वाले पिन पे नेगेटिव पे हमने कर लिया है, यहाँ पे सोल्डिंग कर लिया है दो वायर को, एक रेड एंड एक ब्लैक। ये हमने दोनों वायर को यहाँ से कर लिया है सोल्डिंग। तो ये छोटा सा वायर ज़्यादा लंबा नहीं रखना है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे रखना है। तो यहाँ से अब इस मेटल पीस को हम इसके अंदर डाल देंगे यहाँ पे और इसके बाद इसके गैप में हम इस वायर को डाल देंगे और इसके बाद इसे हम यहाँ से पलट लेते हैं और इसके साथ हमें मिलता है स्क्रू। तो इस स्क्रू को इसके अंदर रख कर हम यहाँ पे टाइट कर लेते हैं। तो अब हम इस बेस प्लेट को इस बॉक्स में यहाँ पे रख कर यहाँ से रखने के बाद हम यहाँ पे टाइट कर लेंगे, ये टाइट हो जाएगा। दोस्तों, ये जो बेस प्लेट है ये साइकिल के फ्रेम के ऊपर फिक्स होता है। तो यहाँ पे देखो, ये स्विच दिया गया है ऑन ऑफ का और ये हमारा वोल्टेज का मींस एक शो करता है, इंडिकेटर है कितना चार्ज है। यहाँ पे चार पॉइंट दिया गया है तो दो हमें दिखा रहा है क्योंकि हमारा जो हर सेल यहाँ पे नॉमिनल चार्ज होता है। अभी ये
बैटरी बॉक्स कंप्लीट हो गया है। तो अब इसके बाद हम इसे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग मशीन में भेजेंगे, जिससे एक बार ये चार्ज करके डिस्चार्ज कर देगा और पूरे बैटरी पैक को बैलेंस करके फुल्ली चार्ज कर देगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे इसका टोटल आउटपुट वोल्टेज। हमने यहाँ पे सारे वायरिंग को कंप्लीट कर लिया है, ये हमारा फाइनल है। तो फाइनल आउटपुट वोल्टेज हम देख लेते हैं यहाँ पे 36.4 वोल्ट। आप ये देख सकते हो, ये जब चार्ज हो जाएगा ये, तो ये इसका वोल्टेज बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे वायरिंग में हम यहाँ पे कनेक्टर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे इस बटन को प्रेस करते हैं, यहाँ पे हमारा जो लाइट है वो इंडिकेट करता है कि कितना आपका बैटरी फुल चार्ज है या नहीं है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? काफ़ी मेहनत करके इतना बड़ा वीडियो को मैंने आपके लिए बनाया है। तो इस वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो के कमेंट में जाकर हमें कमेंट बताइए, और कोई सजेशन हो तो सजेशन दे सकते हैं हमें, और हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करके दूसरों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। और इसी तरह के वीडियो के लिए आप नोटिफिकेशन बेल आइकन पर भी क्लिक कर सकते हैं, और हमसे आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके इस तरह के बैटरी पैक को परचेज कर सकते हैं। तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।